सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल राजपूत फोटोग्राफी। सो गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस तरह का ऑरेंज एंड ब्लू कलर टोन में फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं वन क्लिक के अंदर अपने फोटो में कुछ इस तरह कलर टोन एडिट करना, तो आप लोग इस वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन पिक कर दीजिएगा इसी तरह का फोटो एडिटिंग का वीडियो देखने के लिए। और जरा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, लाइक के हम 50 लाइक का रखते हैं। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज इस तरह का फोटो में अपने कलर टोन देने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, अपने नॉर्मल फोटो में थोड़ा सा आप लोग को ब्लर ऐड करना होगा और अपने फोटो के थोड़ा लाइटिंग कंडीशन को एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन कर लेते हैं। तो स्नैपसीड के अंदर अपने फोटो को जस्ट ओपन करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, पेन वाला आइकॉन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ट्यून इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और अपने फोटो में थोड़ा ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करते हैं। अपने फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं और थोड़ा हम सैचुरेशन को भी ऐड कर लेते हैं और थोड़ा एम्बियंस एंड हाईलाइट एंड शैडो सभी को यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं और सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। तो आप लोग यहाँ बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से पेन वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पर इस बार क्लिक करेंगे जो कि ये रहा, और इसका सर्कल कुछ इस तरह छोटा कर लेंगे और इसको हम साफ है नीचे की ओर कर देंगे और इसके ब्लर को हम लोग 40% के आसपास रख के सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करना है, ऊपर साइड में आपको एक एडिट स्ट्रेच का ऑप्शन मिलेगा तो आप उस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा, व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ से लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ इस तरह से अपने फोटो को जूम करके अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर ब्लर कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अब सिंपली यहां से इसको हम डन कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से पेन वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे, सिलेक्टेड टूल वाला ऑप्शन पर इस बार क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से अपने फोटो को जूम करके अपने फेस के पास एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे और इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा फेस थोड़ा व्हाइट हो जाए और सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। तो हमारा स्नैपसीड का जितना भी काम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जो कि आप लोग बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेंगे। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को जस्ट ओपन करने के साथ साथ एक प्रीसेट को भी ऐड करेंगे जो कि ये रहा, और इस वाला प्रीसेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप लोग वीडियो को एंड तक देखो उसके बाद डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रीसेट पर एक बार क्लिक करके यहाँ से थ्री डॉट के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सभी हम टिक कर देंगे और सिंपली यहां से इसको हम डन कर देंगे और अपने फोटो पर एक बार क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, थ्री डॉट के आइकॉन पर फिर से क्लिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे, इस बार फेस सेटिंग कर देंगे। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कितना अच्छा हमारा फोटो में कलर टोन ऐड हो गया जो कि एक्वा ऑन अरेंज टोन है। आप चाहो तो यहाँ पर मैनुअल एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि अपने फोटो में ब्राइटनेस को ऐड करना, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करना, वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे तुम क्या करते हैं, लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा वाइब्रेंस को इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसको डन कर देते हैं और इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में थोड़ा सा विग्नेट को ऐड कर लेते हैं और थोड़ा हम टेक्चर को भी ऐड कर लेते हैं और शार्पनेस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में थोड़ा सा शार्पनेस एंड डिटेल्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं। और अगर प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद अगर आपके हेयर पर कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा तो आप लोग क्या करना है, यहाँ शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से अपने फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है। तो अपने फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फिर से ओपन करने के बाद यहाँ से क्या करना है, पेन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, डबल एक्सपोजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ओपन इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, अपने नॉर्मल फोटो को यहाँ पर ऐड करना है जो कि विदाउट एडिटिंग का होगा और कुछ इस तरह यहाँ से ओपेसिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को फुल इंक्रीज करना है और सिंपली यहाँ से इसको डन कर देना है और एडिट स्टेच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से व्यू एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, डबल एक्सपोजर वाला ब्रश को सिलेक्ट करके और कुछ इस तरह से अपने फोटो को जूम करके इसके साइज को आप लोग को फुल इंक्रीज कर लेना है जो कि ये रहा और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। तो आपका जो भी यहाँ पर चीज़ ख़राब हो गया है वो सही हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसको डन कर देते हैं।
तो हमारा फॉरवर्डिंग का वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, शेयर वाला आइकॉन पर क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेते हैं।